नमस्ते राधे राधे, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बिना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ पे मैंने भगवद गीता का चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 6 वहाँ पे किया हुआ है। आज के वीडियो में है चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 7। तो श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर लेते हैं। ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री गुरुवे नमः। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 7, जिसका संस्कृत श्लोक है, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः यत् श्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। तो ये था श्लोक नंबर 7। और जब हम लोग इसको तोड़ के पढ़ते हैं तो फिर इसके मतलब कुछ इस तरह से है। जो पहले दो लाइन है जो है, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म समूढचेतः। जो फर्स्ट लाइन है, कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः, इसका मतलब है कायरता दोष रूप से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला। पृच्छामि त्वम्, इसका मतलब है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। धर्म समूढ़, इसका मतलब है कंफ्यूजन मीन्स उलझन में। चेताह, इसका मतलब है मन में। और जो थर्ड लाइन है जो है, यच्छ्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो इसका मतलब है यच्छ्रेय शन निश्चितं, इसका मतलब है निश्चित रूप से मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रूहि तन्मे, इसका मतलब है मुझे कहे। शिष्यते अहम्, इसका मतलब है मैं आपका शिष्य हूँ। शाधी माम, इसका मतलब है निर्देश दे मुझे। त्वम प्रपन्नम, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण करता हूँ। और जब हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, नाउ आई एम कन्फ्यूज अबाउट माई ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल माई कंपोजर बिकॉज ऑफ मिजरली इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग टू यू काइंडली टेल मी What is the best for me? Now I am your disciple and a soul surrender unto you. Please instruct me. और जब हम लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है, इसलिए कायरता रूप दोष से उत्पन्न हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या सबसे श्रेष्ठ है। और मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ और मैं आपका एक शिष्य हूँ, कृपया मुझे निर्देश दे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। यहाँ अर्जुन अपने आप को कर्पण्य मतलब एक कायर इंसान के रूप में, वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वो एक कायर है। लेकिन ये कायर एक वर्ड जो है, ये एक उपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व नहीं कर सकता है उनको कायर कहा जाता है। तो इसमें जो अर्जुन फेस कर रहा है अभी प्रॉब्लम, उसमें वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो खुद को एक कायर कह रहा है। आज के लिए मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर जितने भी गुरुजन मुझे देख रहे हैं, अगर मेरे वर्ड्स में, अगर मेरे कुछ संस्कृत के श्लोक में अगर कोई मिस्टेक्स आ रही है तो फिर उसके लिए मैं आपसे भी से क्षमा चाहती हूँ यहाँ से। और कृपया मुझे दिखाए और सही मार्ग दिखाए कि उसका किस तरह से मैं इसको सही ढंग से कर पाऊँगी। उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। और राधे राधे, जय गीता जय गीता जय गीता।